हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरना में। तो गाइस, मैं लखनऊ आई हूँ। आज हमारे घर में छठ पूजा है और ये बुच्चू भी आ गई है। बस देखिए, ओम भी है, ओमू। और गाइस, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है और मैं आपको दिखाती हूँ छठ पूजा में क्या क्या होता है। ये ओमू है, ओमू भी है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ हो रही है। ये देखिए मम्मी क्या कर रही है। मेरी ये दीदी मेरी खजूर बना रही है इसको, और रीता ये ठकुआ बना रही है। ये छठ पूजा में ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये जो खजूर है ये मैदे का बनाया जाता है, और ये जो ठकुआ है ये आटे का, आटे में चीनी डाल करके बनाया जाता है। ये छठ पूजा का प्रसाद है। प्रसाद ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसके बाद हम लोग पूजा करने जाएंगे। गाइस, मम्मी भी रेडी हो गई हैं और पूजा की सारी तैयारियां हो गई है। मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि ये जो छठ पूजा है ये बहुत कम लोग करते हैं। जो जो लोग मन्नत मांगे होते हैं वही लोग ये पूजा करते हैं, जिनकी मन्नत कंप्लीट हो गई होती है। इसीलिए गाइस बहुत से लोगों को इस पूजा के बारे में गाइस, पहले मम्मी ने यहाँ आटे से इसे बनाया है और उसके ऊपर मैं हल्दी लगा रही हूँ। इसे कोसी भरना कहते हैं। इसको तैयार करके चारों तरफ किनारे किनारे दिए लगा दिए जाएंगे, और ये दियाली है जिसमें पूड़ी और ठेकुआ जो हम लोग ने बनाया था उसको बना के रख दिया जाएगा। तब गन्ना लगाया जाएगा, उसके बाद ये कोसी भरना इसे बोलते हैं। गाइस, मम्मी ये पूड़ी ठकुआ और फल बांध रही हैं इस कपड़े में। फिर इस कपड़े के द्वारा गन्ने को बांधा जाएगा और इस गन्ने को इसके चारों तरफ लगाया जाएगा। देखिए गाइस, ये मम्मी ने ठकुआ बनाया है जिसको हम लोग कलश के ऊपर रख रहे हैं। ये रख देंगे गाइस। गन्ने पर पहले चंदन का टीका लगाया गया है और अब उसके ऊपर सिंदूर लगाया जा रहा है। गाइस, यहाँ पर जितने भी फ्रूट प्रसाद रखे हैं सबके ऊपर पहले चंदन का टीका और उसके बाद से सिंदूर लगाया गया है। पूजा
पूजा की तैयारी कंप्लीट हो गई है और अब पूजा स्टार्ट होने जा रही है। हमारी नेबर की भी जितनी लेडीज थी सब लोग आ गई हैं और सब लोग मिल कर के गाना गा रहे हैं और पूजा स्टार्ट हो गई है। ये दीदी मुझे सिंदूर लगा रही हैं। ऐसा होता है कि पूजा के बाद में सबको, सारी जितनी भी लेडीज होती हैं जो भी मैरिड होती हैं, उन्हें ऑयल लगाया जाता है और सिंदूर लगाया जाता है। ये दीदी मुझे लगा रही है और दीदी देखिए मुझे नाक पर से लगा दे रही हैं पूरा, और उसके बाद मैं अब दीदी को लगाने जा रही हूँ। अब घर की पूजा कंप्लीट हो गई है और हम लोग अब घाट पे जाएंगे सब लोग पूजा करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे गाइस हम लोगों ने सिंदूर लगाया, नाक से ऐसा लगाया जाता है। गाइस हम लोग अब घाट पर पहुंच गए हैं और ये देखिए यहाँ पे ये छठ माता बनाई गई है जिसकी सब लोग पूजा कर रही हैं। सारी जितनी भी मोहल्ले की लेडीज होती हैं वो लोग यहीं पे आती हैं पूजा करने के लिए और हम लोग भी फिर यहाँ पे आ गए हैं। देखिए गाइस लोग आ रहे हैं पूजा कर रहे हैं। ऐसे तो लोग क्या होते हैं नदी के किनारे जा कर के ये छठ पूजा करते हैं, पर हम लोग क्या कर, ये देखिए इसको एक आर्टिफिशियल पोखरा टाइप का बना दिया गया है, इसे गांव में पोखरा बोला जाता है। इसी में खड़े होके लेडीज शाम को अर्घ देंगी जब सूर्य अस्त होगा तब। ये देखिए ये मम्मी बैठी हैं पूजा कर रही हैं। यहाँ पर सब लोग जो गाना गा रहे हैं वो भोजपुरी में गा रहे हैं। मुझे भोजपुरी ज़्यादा समझ में तो नहीं आती है, पर मुझे ये सॉन्ग जो पूजा का होता है सुन के बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे गाना नहीं आता है। सूरज अस्त हो गया है और देखिए सब लोग अपना अपना पूजा की जो डलिया लाए थे उसको ढक रहे हैं और वापस जा रहे हैं सब लोग। कल सुबह यहाँ पर फिर से 5 बजे 4 बजे सब लोग फिर से आएंगे और सूर्य उदय होने तक की पूजा करेंगे। गाइस तो पूजा खत्म हो गई है और ये देखिए ये मैंने दिया उठा लिया है जो छठ माता के ऊपर चढ़ाया गया था। अब इस दिया को हम लोग घर पे लेके जाएंगे और इसके बाद से ये मम्मी घर पे पूजा भी करेंगी, वहाँ पे हम लोग ये दिया जलाएंगे। सब लोग जा चुके हैं, हम लोग भी घर जा रहे हैं। ये देखिए ओम ने सर पे रख लिया है। Thank you.